वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी प्रशंसा क्या करूं? हे महादेव जी के मनरूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए।
यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मनः कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय यानी अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो। यों तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है, तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में जैसा वर्णित है वैसा आचार करो। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। जय सियाराम।